मेरे साथ हैं हरियाणा के युवक छात्र जो अपने रोजगार के क्षेत्र में जो अभी प्रयासरत हैं, तो मैं उन सभी छात्रों से बात करूंगा और मैं जानूंगा कि उनकी किस क्षेत्र में रुचि है और वो आगे क्या बनना चाहते हैं। मैं इसके साथ ये भी इस यात्रा के दौरान ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हरियाणा में किस चीज़ का ज़्यादा क्रेज है, युवकों में किस चीज़ के ज़्यादा प्रति मोह है और वो किस फील्ड में ज़्यादा जाना चाहते हैं। चलिए पहले सबसे पहले इन छात्रों से बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं, जानते हैं कि इनका किस क्षेत्र में रुझान है और वो कहाँ क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्त मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से ये बताएं। मैं संदीप चरखी दादरी से हूँ। चरखी दादरी गांव पांडवान। पांडवान से, ठीक है भैया जी। आप? उदित जी सार सेक्टर 14 से हूँ। अच्छा, आप भी यहीं से हैं। और मैं रोबिन डानी कुशाल आसी से। हाँ, मैं सुमित भिवानी जिले से, डाणी बाखरा गांव से। ये भिवानी जिले से, भिवानी का जैसे नाम आया मुझे याद आया, विजेंद्र सिंह भी भिवानी से हैं, बॉक्सर माने हुए। और चरखी दादरी का नाम आया तो वहाँ उनके पास गीता फोगाट, महावीर फोगाट, उनका गांव वहीं है पास में। तो ये दोनों जगह तो वैसे ही उन दोनों की वजह से ही फेमस हो गई। लाल किला और लाल सड़क भी है, इसकी वजह से यहाँ से फेमस है। सड़क क्या था, शहीद हुए थे लगा दो स्वतंत्रता आंदोलन में, उनसे सड़क लाल हो गई, लाल सड़क। ओहो, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के खून से सड़क लाल होगी, इस वजह से उस लाल सड़क के नाम से वो जगह फेमस हो गई। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपका देखा कि प्रयास हमारा सफलता आपकी, प्रयास एकेडमी के छात्र हैं आप, है ना? हाँ जी। तो आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, प्रयास एकेडमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास एकेडमी, वो टी शर्ट पर भी लिखा है भाई की। तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्या किसके लिए? एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। ट्वेल्थ क्लियर है, सभी ट्वेल्थ क्लियर है, ट्वेल्थ पास आउट है चारों। अच्छा, ट्वेल्थ पास आउट है, तो आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। आप एयरफोर्स? एयरफोर्स, ठीक है। एयरफोर्स के लिए तो दो चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जैसे इंग्लिश और मैथ्स, ये दो। साइंस, हाँ मतलब साइंस को संभाल लूँ, पूरा कंबाइंड साइंस कर लूँ, कंबाइंड साइंस प्लस इंग्लिश। इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन दो फील्ड में जैसे आपके एज ए हरियाणा है कि हिंदी बेल्ट है, तो आपको इंग्लिश में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं सर, मतलब कि स्कूल में आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से? मीडियम से आप इंग्लिश, चारों इंग्लिश मीडियम से हैं? हाँ, तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, नहीं जो हिंदी मीडियम में, अच्छी हरियाणा में इंग्लिश, ज्यादातर स्कूलों में इंग्लिश मीडियम है, ज्यादा राजस्थान में सारे स्कूलों में हिंदी मीडियम है। हरियाणा में, हरियाणा में ज्यादातर स्कूलों में इंग्लिश मीडियम चलती है। हिंदी मीडियम है क्या ज्यादा या इंग्लिश मीडियम? नहीं, वहाँ मिक्स है, मिक्स है, दोनों ही है। और राजस्थान में भी अब धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम का क्रेज बढ़ रहा है, तो आपको मतलब ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपका बेस ही इंग्लिश है। अब मेन चीज़ रहेगी आपकी साइंस, साइंस में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तो तब कंपटीशन में सर पे डिपेंड होता है, जो पढ़ाने का तरीका ही ऊपर है। अच्छा अच्छा, अगर पढ़ाने का तरीका सही है तो समझ में आ जाता है। जी जी जी, अगर पढ़ाने का तरीका समझ सही नहीं है तो समझ में। जी जी, इनकी कोचिंग का शेड्यूल होता है आपका? जी, हमारा चार पाँच महीने सिक्स मंथ में एक टेस्ट होता है सर, एयर फोर्स लेता जो, उसमें सिक्स मंथ का रहता है। दो फेज होते हैं सर, एक फेज क्लियर करने के बाद सेकंड फेज में, सेकंड फेज में इंग्लिश का प्रॉपर इंग्लिश होती है सर उसमें। जीडी होता है, चार पांच जो ग्रुप डिस्कशन हो गए और उस तो इंग्लिश में डिस्कशन करना है। हाँ, वो जी टॉपिक ग्रुप ऑरिएंटेड, मतलब ग्रुप डिस्कशन में आप उसी में इंग्लिश में करेंगे। अच्छा, आपका एग्जाम कब है? आप एग्जाम तो सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, नेवी का तो आ लिया जी, फरवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगी नेवी का, फॉर्म निकल लिया वो कर दिया। तो अभी आपकी तैयारी चल रही है? हाँ, चलिए बढ़िया। मैं आपको सभी को जो है शुभकामनाएं देता हूँ।